Jalak! Jalak! परशुराम मिथिला में आपका स्वागत है। भगवान शिव के इस धनुष को भंग करने का पाप किया? कौन है जिसने ऐसा दुस्साहस करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया? सामने आए मेरे। हे भगवान, आप ही के आदेश अनुसार मैंने सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। आप ही ने कहा था कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो जलाक। प्रत्यंचा चढ़ाने की बात हुई थी, धनुष भंग करने की नहीं। ये पाप है। कौन है वो अहंकारी? सामने आए मेरे। इतने गुणी जनों, महाऋषियों और एक ब्रह्म ऋषि की उपस्थिति में ऐसी धृष्टता दिखाई गई और आप सब मौन रहे। क्या कोई एक वीर नहीं इस पूरी सभा में जो मुझे सत्य कहने का साहस कर सके? मुनिवर, आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं होते तो कोई उत्तर कैसे दे? और इतने क्रोधित भी हैं आप? कौन है ये मूर्ख बालक जो नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। अक्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी प्रभु परशुराम है। परंतु प्रभु एक बहुत ही शुभ अवसर पर पधारे हैं आप, और यहां इतना क्रोध उचित नहीं। ये बालक इतना अशिष्ट क्यों है? प्रतीत होता है ये मेरे प्रकोप से अनभिज्ञ है। आपके प्रकोप से कोई अनभिज्ञ कैसे हो सकता है प्रभु? किस प्रकार एक कार्तवीर्य के दोष के कारण कई निर्दोष योद्धाओं का अंत किया आपने, कोई योद्धा कैसे भूल सकता है? दंड बालक,
भार्गव परशुराम जी को नमन। ये कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। ये दृष्ट बालक मेरे आशीर्वाद योग्य नहीं है। राजऋषि जनक मेरा उत्तर दीजिए, नहीं तो जहां तक आपका राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। प्रभु, इस शिव धनुष को भंग करने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जिसने ये धनुष भंग किया है वो सहस्र भाव की भांति मेरा शत्रु है, और मैं उस शत्रु को भी वैसे ही दंडित करूंगा जैसे मैंने सहस्र भाव को किया था। या तो मेरा वो शत्रु स्वयं को इन राजाओं से अलग कर ले, या तो इन सभी राजाओं की हत्या का कारण बनने को तैयार हो जाए। बाल्यकाल में कई धनुष खेल खेल में तोड़ दिए हम, तब तो इस प्रकार क्रोधित होकर आप कभी नहीं आए, फिर इसी धनुष प्रति इतना लगाव क्यों? तुम्हें बाल्यकाल में तोड़े गए धनुष और भगवान शिव के धनुष में अंतर समझ में नहीं आ रहा? नहीं समझ आ रहा कि भगवान शिव का अपमान हुआ है? शांत हो जाए मुनिवर, ऋषियों को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। उदंड बालक, मूर्ख है तू, क्यों अपने कुल का घातक बन रहा है तू? क्यों अपनी मूर्खता से अपने कुल के लिए कलंक बन रहा है तू? कभी एक क्षण में तू काल का ग्रास हो जाएगा। क्षमा मुनिवर, क्षमा। बालकों के गुण और दोष साधुगण गिना नहीं करते। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, जिस किसी ने ये धनुष भंग किया है मेरे समक्ष आ जाए, अन्यथा वो सेवक मैं हूं प्रभु। मैं हूं प्रभु। शिव धनुष मुझसे भंग अवश्य हुआ है, किंतु भगवान शिव का अपमान करने की मेरी मंशा कदापि नहीं थी। भगवान शिव का धनुष भंग करना ही उनका अपमान करने समान है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। हम तो बालक हैं आपके, और बड़े कृपा करते हैं, क्रोध नहीं। आप ज्ञानी हैं, सुशील हैं, वीर हैं, दया करें प्रभु। धनुष भंग करके तुम मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। तुम्हारा अनुज मुझसे कटु वचन कहता है, और तुम छल से मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे विनय कर रहे हो। छल त्यागो, युद्ध करो मुझसे, नहीं तो भाई सहित तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। भगवान और भक्त में युद्ध कैसा? दिव्यता के किसी भी प्रतीक का अपमान तब है जब समाज
उसके सही अर्थ की उपेक्षा कर उसे किसी और के अपमान या दमन का शस्त्र बना लेता है। यहां प्रत्यंचा चढ़ाने को लोगों ने अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया था, जबकि इसका उद्देश्य इसके बिल्कुल विपरीत था। फिर भी यदि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो यदि अहंकार तो देखो पाप करते हो और यदि कहते हो उठाओ अपने शस्त्र युद्ध करो मुझसे।